Sponsored by Sri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, पाकिस्तान पर फिर होनी चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर नागपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाना पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान कश्मीर में फिर से अशांति फैलाना चाहता है, एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड पर भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। के द्वारा कश्मीर में जम्मू में मतलब आतंकवादियों को आगे करके पाकिस्तान हमले करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ सिविलियन की हत्या करने की कोशिश हो रही है, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह की छेड़छाड़ करने की कोशिश करता रहेगा तो और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो एक बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है, और मेरी भूमिका ये है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य घटक है और पाकिस्तान ने झगड़ा मिटाना है तो जम्मू कश्मीर को भारत के हवाले करना चाहिए और भारत के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान का विकास करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। तो एक विषय है। तो दूसरा विषय ये है कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसके संबंध में हमारी भूमिका ये है कि कानून पीछे लेने की मांग मत करिए। तो कानून में क्या बदलाव करना है, क्या अमेंडमेंट करनी है, इसके लिए तो सरकार तैयार है। तो किसानों ने आंदोलन अपना खत्म करना चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है इसकी हम निंदा करते हैं। वहाँ चार किसानों की हत्या मतलब गाड़ी के नीचे आकर हुई है और वहाँ गाड़ी में बैठने वाली भी चार लोगों की हत्या हुई है, एक पत्रकार की भी हत्या हुई है, इसका हम निंदा करते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है उन्होंने पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, ये पूरी इंक्वायरी हो रही है और इसमें किसी को भी मतलब सपोर्ट करने की सरकार की बिल्कुल भूमिका तो नहीं है। जो गुनहगार है उनको कड़ी सजा होगी, इसी तरह की हमारी भूमिका है। बाकी मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर मैं इधर आया था और